मेवात जिले में आया भूकंप, डीसी सहित अधिकारियों की हिली कुर्सी, कई लोग घायल, मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स, बचाव कार्य जारी। जी हां, यह हेडलाइनिंग सुनकर आप डर गए होंगे, जबकि वास्तविक ऐसा नहीं है, बल्कि रूई चिड़ा प्रशासन ने भविष्य में इस तरह की भूकंप आता है उसे निपटने के लिए कितने हम तैयार हैं, इसीलिए आज एनडीआरएफ की सहायक कमांडेंट विकास सैनी के मार्गदर्शन में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। डीसी कैप्टन शक्ति की अध्यक्षता में भूकंप आपदा पर आधारित संयुक्त अभ्यास एनडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व अन्य हितधारकों के साथ जिला सचिवालय में शुक्रवार को किया गया। जिला सचिवालय नूह में मॉक ड्रिल की शुरुआत 11 बजे हुई। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत अचानक जिला सचिवालय की आपातकालीन घंटी बजी और अधिकारियों व कर्मचारियों को भूकंप आने की सूचना दी गई। भूकंप थमने के बाद अधिकारी व कर्मचारी खुले स्थान पर इकट्ठे हुए, जहां उनका हेड अकाउंट किया गया। एनडीआरएफ के 47 बचाव कर्मी मौजूद थे। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर हरीन सिंह के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत ही बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिए। कुछ लोगों को बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल में फंसे होने की जानकारी पर एनडीआरएफ की रोप रेस्क्यू टीम के बचावकर्ता रोप तकनीकों का इस्तेमाल कर बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया। एनडीआरएफ कमांडेंट विकास सैनी ने बताया, इस मॉक ड्रिल के माध्यम से आपदा की स्थिति में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया, भविष्य में ऐसी किसी भी आपदा के समय जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने कहा, आपदा प्रबंधन की शुरुआत स्वयं से शुरू करनी होगी और जन जन को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करना होगा। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। एसडीआरएफ की टीमों ने भाग लिया है, जिला पुलिस से भी जो पुलिस के कर्मचारी उन्होंने भाग लिया, फायर सर्विसेज ने, हेल्थ सर्विसेज ने और रेड क्रॉस ने। ड्रिल बेसिकली ये की गई थी कि अगर इस स्थान पर 7.5 स्केल का, रिक्टर स्केल का भूकंप आता है तो उसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उन्होंने ये भी सिमुलेट किया कि अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाना है। एंड रिस्पॉन्स फायर टीम का बहुत अच्छा था, एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। इसके अलावा अगर सीढ़ियाँ अवेलेबल नहीं हैं तो बिल्डिंग से रस्सियों के सारे स्ट्रेचर को कैसे उतारना है, ये उन्होंने डेमोंस्ट्रेट किया है। उसके बाद बिल्डिंग कलेप्स होने पर एनिमल डॉग्स और जो हैं उनकी मदद से कैजुअल्टीज को ढूंढना, को इवैक्यूएट करना, बिल्डिंग के अंदर ड्रिल करके कैमरा अंदर डाल करके 360 डिग्री कैमरे को रोटेट करके सर्च करना और उसके बाद उसको कैजुअल्टी को इवैक्यूएट करना, बिल्डिंग को कट करके एंटर करना, जो सब पॉसिबल पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सब सिचुएशंस को सिमुलेट करके उसका रिहर्सल किया गया है। इट्स वेरी सक्सेसफुल ड्रिल। में आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द टीम जी हैं यहाँ पर और एनडीआरएफ के हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से रिहर्सल को किया है। कर्मचारियों का रिस्पांस भी अच्छा रहा है, इसके अंदर बड़े टाइमली इवैक्यूएट हुए हैं। जो 2-4% होता है जो चीज़ को कैजुअली ले जाते हैं वो भी एक नॉर्मल डिजास्टर में भी ऐसा देखने को मिलता है। सो ओवरऑल आई विल कॉल दिस एज ए वेरी सक्सेसफुल ड्रिल, बहुत अच्छे तरीके से रिस्पांस अलग अलग सिचुएशंस के जो है उनको डेमोंस्ट्रेट किया गया और आम जनता के लिए और नागरिकों के लिए एक बहुत रीअश्योरिंग है कि हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम जो है इस तरह के इक्विपमेंट के साथ इक्विप्ड है। इन्होंने विद इन 25 मिनट्स इन्होंने सेटेलाइट कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया, स्ट्रक्चर्स खड़े किए, टेंट्स, एम्बुलेंस, अपना स्ट्रेचर से इवैक्यूएट करके उसको मेडिकल एड कैसे देना, सो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स हैव बीन इरेक्टेड इन अ वेरी टाइमली मैनर एंड आई थिंक दैट दिस विल रीअश्योर। यकीन है कि इससे लोगों में हमारी जो डिजास्टर रिलीफ टीमें हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ उनके प्रति विश्वास की भावना बढ़ेगी और लोग अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित होंगे। सर देखिए, सिमुलेटेड सिचुएशन में और एक्चुअल में हमेशा अंतर रहता है, हम कोई भी चीज़ मान के चल सकते हैं, इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकते थे। कुछ सीढ़ियाँ जो थी उनको डिनाई किया जा सकता था कि ये सीढ़ी टूट गई है, यहाँ से नहीं जा सकते, उससे शायद थोड़ी सी अफरा तफरी या भगदड़ ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ओवरऑल इसमें फेलियर वाला पॉइंट अगर देखें, फेलियर नहीं कहा जा सकता, उसको कमियाँ कहा जा सकता है कि कुछ हमारे अपने कर्मचारियों का रिस्पॉन्स स्लो रहा निकलने में। अदरवाइज एज फार एज टाइमिंग्स आर कंसर्न्ड, मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे स्टैंडर्ड टाइमिंग्स हैं उनसे बेहतर टाइमिंग परफॉर्मेंस हुआ है सारा, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन। ज़्यादातर मेरा नाम असिस्टेंट कमांडेंट विकास कुमार सैनी, हमारी पूरी टीम जो हमारी बटालियन है गाजियाबाद में 8th बटालियन एनडीआरएफ, वहाँ से पूरी टीम जो है यहाँ पे आई। आज जो ये मॉक ड्रिल हुई है, मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो यही होता है कि जो जिला प्रशासन के पास जो जितनी एजेंसियां हैं
उनको उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, मतलब भविष्य में इस प्रकार की कोई इमरजेंसी होती है तो उस टाइम कितना जल्दी वो अपना करते हैं, उनकी कुछ कमियां होगी है ना, तो उन सब का मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन, और अगर इस मॉक ड्रिल के दौरान कुछ गैप मिले, कुछ कमियां मिली तो उनको भविष्य में उनको दूर किया जा सके। इसमें कितने कर्मचारी इसमें यहाँ के जो हरियाणा के जो स्टेट पुलिस है वो भी थी, NDRF की हमारी टीम आई, उसके बाद जो स्टेट की डिजास्टर है SDRF भी है, उसके बाद में यहाँ का जो मेडिकल का स्टाफ है, होम गार्ड वाला जो है उनके भी हैं, है ना, तो जो यहाँ की जो काफ़ी एजेंसियों ने मिलके इसमें भाग लिया है, और मैन यही है कि सबके सब आपस में मिलके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से कैसे काम कर पाए। तो क्या अगर हम इस मॉक ड्रिल की बात करें तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो अच्छी बात थी वो यही थी, एक तो इनका कम्युनिकेशन का सिस्टम जो था वो काफ़ी अच्छा रहा, शुरू से ही ये लगातार सेट के ऊपर सबके पास अपना सेट से और लगातार कॉन्टेक्ट में थे। इसके बाद इन्होंने मतलब NDRF SDRF को जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत पड़ी तो सेट से और वो अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। बाकी NDRF का और SDRF का टीम का भी वो काम जो है काफ़ी अच्छी ड्रिल की है। दिक्कत थोड़ा सा ये था शुरू में बताया था अभी DM साहब ने भी कि जो यहाँ के कर्मचारी थे उनका शुरू में अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि भूकंप जैसी तो उनको तुरंत कैसे मतलब अगर वो नीचे बेस में है तो तुरंत बाहर आना है, इमीडिएट जो बाहर मतलब ना सेफ जगह पे भी आके भी मतलब ऐसी जगह देखना कोई पेड़ या पोल के नीचे नहीं खड़ा होना है। और सबसे जो मेन चीज़ होती है वो यही है कि अगर ऐसी जगह फंसे हो थर्ड फ्लोर पे फोर्थ फ्लोर पे कि नीचे नहीं आ पा रहे हो, सीढ़ियाँ ब्लॉक हो गई है ना, ये भी बताया, तो उसमें मतलब रूम के अंदर ही ऐसा कोई स्पेस देखा जाए जहाँ पे जैसे दो दीवार मिल रही हो है ना, तो ऐसी जगह भी जहाँ पे अपना हेड को वो कवर किया जा सके, मतलब हेड को सबसे पहले हेड को बचाना है, तो जो भी जिस कुछ भी उसमें अवेलेबल हो रूम के अंदर उससे अपना हेड को कवर किया जाए। थैंक यू। इससे नहीं है हर फ्लोर पे आग लगने पे क्या करें, भूकंप हो तो क्या करें लिखा हुआ है, बहुत से लोग नहीं पढ़ते, बड़ा स्पष्ट है ऐसी डिजास्टर के समय पे लिफ्ट का उपयोग ना करें, नियरेस्ट सीढ़ियों की तरफ जाएं, अगर आप किसी कमरे में बंद हैं तो एकदम से जमीन पर लेट जाएं। सीधा सा कारण है आग में जब धुआं उठता है तो धुआं ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है, जमीन पर नीचे लेट करके कोनियों के बल रेंगते हुए बाहर निकल जाएं, इजीली निकल जाएं, ये कोई खिड़की से कूदने की जरूरत नहीं है। वो डिसीजन आती है उसके लिए भी टीम ने डेमोंस्ट्रेट किया है कि अगर कोई जगह एक्सेसिबल नहीं रहती है तो कैसे स्ट्रेचर को रस्सियों के सारे बांध करके भी कैजुअलिटी को इवैक्यूएट किया जाता है। एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल ड्रिल है। ये जो भी चेतावनी है, जो सूचनाएं हैं आग से बचाव की, भूकंप से बचाव की, वो हिंदी में सरल भाषा में लिखी हुई है, सब लोगों को पढ़नी चाहिए। आज जो लोग आज नागरिक थे जो जिले के, जिन्होंने आज के ड्रिल को देखा है, उन्हें ड्रिल से सीखना चाहिए कैसे पंक्तिबद्ध तरीके से डिसिप्लिन से बिल्डिंग को इवैक्यूएट किया जा सकता है बगैर।